आई एन वेलकम टू द स्पेसिफिक आस्क आज मेरे साथ मेरे दोस्त डॉक्टर अखिलेंद्र सिंह हैं ही इज़ अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एंड ही इज़ बिन प्रैक्टिसिंग फॉर क्लोज़ टू फिफ्टीन ईयर्स नाउ एंड ही इज़ आर द टॉप ऑफ हिस फील्ड तो और हेयर uh, लॉस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आज की डेट में दस में से आठ लोग फेस कर रहे हैं दुनिया में स्पेशली इंडिया में आज हम उनसे ब्रेक डाउन करेंगे कि हेयर लॉस क्यों होता है इसके क्या मेजर रीजंस हैं व्हाट आर द बेस्ट रेमेडीज एंड थिंग्स दैट वी कैन डू इन आर लाइफ स्टाइल टू अवॉइड हेयर लॉस एट एन अर्ली एज हाय डॉक्टर कैसे हो आप हाय रिश आई एम वेरी गुड एंड सुपर हैप्पी एंड एक्साइटेड टू बी हेयर थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट आई विलेर माई ऑन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट फिफ्टीन ईयर अबाउट हेयर हेयर ट्रांसप्लांट स्मिथ कॉजेस ऑफ हेयर फॉल एक्सेट्रा बहुत बढ़िया सर थैंक यू आपने समय निकाला हमारे लिए आ, पहले तो सर ये बताइए कि आपने योर एजुकेशनल बैकग्राउंड डिड यू हैव टू गो थ्रू एन एम डेफिनेटली इंडिया में डॉक्टर बनने का जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा है इनफैक्ट कहीं पे भी और एम का जो कोर्स है सिक्स ईयर्स का होता है सो आईव डन माई एम बी बी एस सो है माई एम डी फ्रॉम पी जी आई uh, चंडीगढ़ in जी विच इज द प्रीमियर इंस्टीट्यूट इन इंडिया जी थ्री थ्री ईयर्स का कोर्स होता है इसमें डर्मेटोलॉजी स्किन हेयर और उससे रिलेटेड सारी डिजीज के बारे में पढ़ाया जाता है थ्री ईयर्स के लिए एंड ट्रांसप्लांट भी वहीं से शुरू किया बाद में बहुत सारी कॉन्फ्रेंस होती हैं और जहाँ पे आप ये सीख सकते हो जैसे अब तो मैं सिखाता भी हूँ सीखता भी हूँ क्योंकि डॉक्टर की लर्निंग लाइफ टाइम चलती रहती है लाइक सी एंड लॉयर और आ, मैं इंटरनेशनल हेयर ट्रांसप्लांट बोर्ड का मेम्बर हूँ इंटरनेशनल हेयर सोसाइटी की जो संस्था है अमेरिका uh, की वहाँ मैं रेगुलरली हर साल उसकी जो कॉन्फ्रेंस होती है उसको अटेंड करता हूँ इंडिया की संस्था भी बहुत अच्छी एसोसिएशन ऑफ एयर स्टेंट सर्जन इंडिया ए एच आर एस तो ये सारी कॉन्फ्रेंसिस में आपको बहुत सीखने को मिलता है और लगभग थाउजेंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन ऑल ओवर द वर्ल्ड वहाँ पर आते हैं तो जो भी इस फील्ड में नया हो रहा है नई टेक्निक्स आ रही हैं वो सारी चीज़ें आप अप टू डेट हो जाते है आपका टिपिकल वर्क डे कैसा होता है मतलब आप सुबह से लेके थोड़ा शाम तक का बताइए कि आपका रूटीन कैसा रहता है राइट right. तो सुबह मैं सात बजे उठता हूँ क्योंकि मेरी बेटी को साढ़े सात बजे स्कूल जाना होता है <laughs> जी <laughs> और अभी छुट्टियाँ चल रही तो भी सोने को मिल जाएगा तो मैं माई डॉटर इज क्लास वन श्रीराम स्कूल इन yeah. गुड़गांव तो उसको स्कूल छोड़ने के बाद देन वी हैव ब्रेकफास्ट एंड मैं थोड़ा सा न्यूज uh, पढ़ता हूँ <laughs> तो दिस ओल्ड थिंग बट आई लाइक टू रीड दैटर स्क्रॉलिंग द मोबाइल उसके बाद थोड़ा बहुत मैं अपनी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ता हूँ हाफ एन आवर हाफ एन आवर ऑनली वन आवर में ही हो जाता है देन मेरी सर्जरी शुरू होती है दस बजे से तो उसके बाद फिर मैं ऑफिस जाता हूँ एंड टेन ओ क्लॉक से सर्जरी शुरू होती है हेयर ट्रांसप्लान्त थोड़ी लॉन्ग आवर सर्जरी होती है टिपिकली okay. इसमें सिक्स टू एट आवर्स लगते हैं बीच okay. में ब्रेक होता है ऐसा नहीं कि लगातार पेशेंट को सिक्स टू एट आवर्स लेटना है लोकल एशिया में होता है केवल ये एरिया नम होता है दे कैन वॉच टी वी दे कैन यर म्यूजिक समटाइम दे स्लीप ऑल्सो इज डेट कम्फर्टेबल और ब्रेक्स भी होते रहते हैं बट हाँ ये लॉन्ग आवर सर्जरी है okay. क्योंकि आप इसमें देखिए टिपिकली क्या करना होता है ये लोन एरिया से आपको एक एक ग्राफ निकालने हैं एंड जो नई टेक्निक है जो अभी यूज की जाती है फॉलिकुलट एक्सट्रैक्शन उसमें ग्राफ्ट को वन बाई वन निकालते हैं तो पेशेंट के लिए इजी है, लेस इन्वेजिव है एक दिन आराम करके वो अपना रूटीन काम शुरू कर सकता है ओके ओके इज दैट इजी okay. पहले की तरह ऐसा नहीं है कि कुछ स्वेलिंग आएगी स्वेलिंग भी हार्डली हमारे फाइव परसेंट पेशेंट में आ रही है वो भी बहुत ही माइल्ड जो कि एक से दो दिन में ट्वेंटी फोर टू फोर्टी एट आवर्स में ठीक हो जाए पेनफुल होता है प्रोसेस राइट गुड क्वेश्चन पेन के लिए लोग काफी कंसर्न रहते हैं बेसिकली इसमें साइंस है एंड आर्ट है साइंस क्या है कि पेशेंट को कैसे कंफर्ट दिया जाए कि पेन ना हो है ना रिजल्ट तो बाद में आएगा तीन महीने बाद रिजल्ट का पता हो चलेगा लेकिन अगर पहले ही दिन ऑपरेशन टेबल पे उसको बहुत ज्यादा पेन होता है तो नेक्स्ट डे उसका रिएक्शन क्या होगा यार ये तो ठीक ठाक चल रहा था फालतू में ही करा लिया ठीक है <laughs> तो आपको पेशेंट को अच्छा कंफर्ट देना है लोकल अभी अभी जैसे क्या करते हैं लोकल ने का है इंजेक्शन दिया वेट फॉर टेन मिनट्स ये एरिया नम हो जाना है फिर कुछ नहीं पता लगना है बहुत सारे पेशेंट में इवन मैंने उनके वीडियो भी बनाए हैं जो बोलते हैं कि कुछ पेन नहीं हुआ बहुत सारे बोलते हैं कि जैसे ब्लड सैंपल ले, लेने में पेन होता है उतना पेन होता है okay. तो ये तो मतलब नेग्लिजेबल पेन हो गया okay. कुछ लोगों का स्केल बहुत सेंसिटिव होता है उनमें उससे थोड़ा ज्यादा पेन होता है बट आज तक इतने साल के करियर में किसी ने पेन का कंप्लेन नहीं किया okay. तो, तो पोस्ट सर्जरी या पोस्ट राइट पोस्ट सर्जरी सी प्री ड्यूरिंग सर्जरी तो लोकल एसी पेन नहीं होगा पोस्ट सर्जरी वी गिव एंटी इन्फ्लामेटरी पेन किलर ताकि पेन ना हो मोस्टली फाइव डेज की दवा की जरूरत होती है उसके बाद दवा बंद हो जाती है उसमें नहीं हम एंटीबायोटिक भी देते हैं इन्फेक्शन ना हो स्वेलिंग की मेडिकेशन देते हैं कि स्वेलिंग ना हो एंटी इन्फ्लामेट्री एंड पेन के लिए इसके अलावा okay. एंटी ताकि आपका गट नॉर्मल रहे आपकी स्लीप अच्छी रहे जी. तो इस टिपिकली वन डे दे सर्जरी देन वन डे दे रेस्ट एंड देन यू कैन गो टू योर ऑफिस अच्छा यू कैन फ्लाई बैक अभी इंडिया तो मेडिकल टूरिज्म का हब हो रहा है आ, आपको पता होगा टर्की में बहुत सारे लोग हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं उसी तरह से इंडिया में बहुत सारे लोग हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आते हैं तो वो आते हैं ट्रांसप्लांट कराते हैं एक दिन रुकते हैं देन दे गो टू आगरा ताजमहल देखा कुछ और साइट सीन की और उसके बाद वापस आके अपनी कंट्री चले जाते हैं ऑसम awesome. uh, जो पोस्ट सर्जरी का रिकवरी टाइम है और रिकवरी प्रोसेस है बहुत लंबा नहीं है बेसिकली आपने कहा लेकिन क्या ट्रांसप्लांटेड हेयर का ट्रीटमेंट या उसका कुछ स्पेशल केयर करनी पड़ती है बाद में राइट सी देखिए ये नेचुरल हेयर है इट्स नॉट अ विग और हेयर पैच ये आपके हेयर है एक बार जब ग्रो हो जाएंगे फाइनल रिजल्ट आने में दस महीने का वक्त लगता है नौ से दस महीने का वक्त लगता है शुरू में जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं जैसे डे डेवन है हुँ. अभी पेशेंट ट्रांसप्लांट करा के अपने घर जा रहा है जी. तो उसको ध्यान रखना है कि हेड कहीं पर बंप ना हो हुँ. घर में कहीं से हाथ ना लगे है ना घर में बच्चे हैं या पेट है तो उनका हाथ ना लगे इन सब चीजों का ध्यान रखना है बहुत झुक के काम नहीं करना है जैसे अच्छा। मैं गुड़गांव में हूं तो सब आईटी के काफी लोग हैं लैपटॉप पे काम करना है तो लैपटॉप पे झुक के काम नहीं करना है फॉर नेक्स्ट टू टू थ्री डेज क्योंकि वो स्वेलिंग ला सकता है okay. आप स्ट्रेट बैठ के काम कर सकते हो वेरी नेक्स्ट डे hmm. आपने फ्राइडे को ट्रांसप्न कराया सैटरडे को यू कैन वर्क लाइक दैट उसके बाद आपको स्विमिंग का ध्यान रखना था कि पूल में नहीं जाना है एक डेढ़ महीने के लिए बिकॉज क्लोरीन वाटर होता है हेलमेट नहीं पहनना है राइट बहुत पसीने वाला काम नहीं करना है आपको थोड़ा बहुत पसीना आता है इट्स इट्स फाइन फाइन बट Uh, जैसे जिम नहीं करना है फॉर टेन डेज टू फिफ्टीन डेज ओके उसके बाद स्टार्ट ओके okay. सर uh, ये बताओ कि अब तक पंद्रह साल की जर्नी में आपने कितने पेशेंट्स या कितने लोगों की हेयर प्रॉब्लम सॉल्व करी है मोटा मोटी राइट right. uh, मोटा मोटी भी क्या एग्जैक्टली exactly भी आप देख सकते हो क्योंकि अब डेटा रहते हैं है ना अच्छा। uh, आप नंबर ऑफ पेशेंट देख सकते हो आई थिंक फोर्टीन थाउजेंड के आसपास है चौदह हज़ार लोग चौदह हज़ार ट्रांसप्लांट्स किए हैं सर बेसिक्स पे चलते हैं पहले वट आर द मेन रीजन्स कि हेयर लॉस हो जाता है क्योंकि मैंने क्या देखा है आजकल पहले हमारे जो प्रीवियस जनरेशन थी उनका बाल गिनना शुरू होते थे चालीस पैंतालीस पचास के बाद और अब आप देख रहे हैं पंद्रह साल सत्रह साल बीस साल इक्कीस साल के बच्चों के हेयर लॉस हो रहे हैं वाट आर द मेन रीजन्स ट्रू तो ये आप नॉर्मली देखेंगे कि पहले इवन सारी प्रॉब्लम आप देखिए पहले हार्ट डिजीज़ माना जाता है कि साठ साल के बाद होती थी अब ये पचास और चालीस पे आ गई है जी थर्टीज में भी आपने सुना होगा मैं हेयर का बताऊँ अगर तो जो एवरेज एज है पेशेंट की है ना ऑब्वियसली यंग एज में ज़्यादा कंसर्न होता है वो ट्वेंटीज़ में है ट्वेंटीज़ ट्वेंटी फाइव टू थर्टी टू थर्टी थ्री ये एवरेज एज है पेशेंट की जहाँ पे आते हैं पच्चीस से लेके इकतीस बत्तीस साल के लोग आते हैं ट्रांसप्लांट के लिए इवन इन लास्ट टेन ईयर्स जब से मैं ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ पहले पच्चीस साल से कम लोगों का ट्रांसप्लांट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि ये हेयर फॉल के लिए आते भी थे तो उनका ट्रीटमेंट से हो जाता था ओके ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं होती थी बट मीन्स देवर नॉट बॉल्ट हो रही है। और जो मैं सबसे मेरा छोटा पेशेंट है एज में जिसका मैंने ट्रांसप्लांट किया 19 oh. तो अब नाइनटीन ईयर में फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट अब नाइनटीन ईयर में क्या होगा आपके बैच में केवल आपका ही बॉडनेस और किसी का नहीं दिट ऑफ डिप्रेस्ड तो, तो yeah. मैंने उसको पहले बोला की अभी रुक जाओ अभी थोड़े दिन इक्कीस के बाद करते हैं बट उसकी मदर ने फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब कोई साइड इफेक्ट नहीं हो तो आप कर दीजिए तो साइड इफेक्ट तो कुछ है नहीं तो उसका ट्रांसप्लांट किया इज हैप्पी बट बहुत जल्दी आ रहा है कल ही एक पेशेंट आया जो कि सत्रह साल का इलेवंथ क्लास में पढ़ता है अभी नेक्स्ट mm. ईयर वो ट्वेल्थ का एग्जाम देगा इंजीनियरिंग का एंट्रेंस देगा तो ये सेवेंटी ईयर होना लूजिंग हेयर राइट फादर भी साथ में आए थे फादर बच कंसर्निंग फॉर हेयर ट्रांसप्लांट ही इज़ फोर्टी प्लस बट उनके हेयर जाने शुरू हुए थे ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन से जबकि उनके बच्चे का एक डिकेट पहले शुरू हो गया टीन एज सेटीन या टीन एज तो अब जो चेंजेस मैं देख रहा हूँ वो बहुत जल्दी आ रहे हैं कॉजेस देखा जाए जो जल्दी हो रहे हैं नॉर्मल जो कॉजेस होते हैं अभी जो चेंजेस हुए हैं स्ट्रेस की वजह से पोल्यूशन की वजह से राइट अब देखो गुड़गांव में जो एयर इंडेक्स है हमेशा रेड दिखता है yes. बहुत कम वो ग्रीन दिख रहा होता है तो गुड़गांव सेम में, है देली, देली में, से में है। yeah. तो ये कॉजेस हो गए देन स्लीप स्लीप प्रॉब्लम अभी कुछ लोगों का तो काम रात में है बट कुछ लोग बिना काम के मैं पूछता हूँ कब सोते हो तीन बजे सोते हो तो भाई क्या क्या कर रहे हो आप तीन बजे सोते हो ऑफिस भी आपका नहीं है कि दो बजे तक आप ऑफिस में हो बिल्कुल बस ऐसे ही इंस्टाग्राम कर रहे हैं yeah. तो रात इन जनरल सोने के लिए बनी है तो आप उस रूटीन को फॉलो करेंगे तो बेहतर होगा तो स्ट्रेस लाइक और स्लीप प्रॉपर स्लीपेन स्केमेटाटिस है, है। okay. रेयर केसेस में फॉल होता है और कॉशियस देखे जाए आयरन डिफिशियंसी इज क्वाइट कॉमन ठीक है फूड okay. हैबिट्स मतलब जो लोग अनिमिक हैं आप आयरन अनीमिक फीमेल में ज्यादा कॉमन कॉज है दो मेल में भी है okay. और यह सब बहुत ईजिली ट्रीट किया जा सकता है सिंपल फूड हैबिटिट से ट्रीट किया जा सकता है या आपको थोड़ी पिल्स खानी होंगी विटामिन मिनरल्स आयरन वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो ये देन अदर अंदर बैड लाइफ स्टाइल जंक फूड्स है ना, ना। एरेटेड पैकड फूड जो यूएस से आए आप यूएस में देखिए ओबेसिटी बहुत ज्यादा है और वैसे मैं आपको बताऊँ फॉल अलग से एक चीज़ नहीं है जो केवल हेयर फॉल है ये सारी चीज़ें मेटाबोलिक सिंड्रोम में आती हैं आपका बेलीफेट बढ़ना बी शुगर कोलेस्ट्रॉल गंजापन ये सारी चीज़ें साथ में चल रही होती हैं इंडाइजेशन इंडाइजेशन ठीक है, Indigestion? Indigestion, है? तो ये सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं तो अगर आप इसको इंप्रूव करते हो विद गुड लाइफ स्टाइल बैलेंस डाइट तो ये सारी चीज़ें इंप्रूव होती हैं फिर आप लाइफ को ज़्यादा अच्छे तरीके से इंजॉय कर हैं मैं आपको बताता हूँ मैंने जो अपने क्लिनिक में फर्स्ट ट्रांसप्लांट किया था आ, मेरे सीनियर हैं फोर्टिस हॉस्पिटल में उनके रिलेटिव जी उनका ट्रांसप्लांट किया था तो अभी दस साल से ऊपर हो चुका है एंड ही मस्ट बी फिफ्टी प्लस नाउ तो अब चूंकि वो मेरे व्हाट्सएप में तो में उनकी प्रोफाइल पिक्चर कभी कभी देखता हूँ तो तब से उनका वेट okay. तो hmm. ah. तो तो जो उनके पॉजिटिव चेंज आया उन्होंने वेट कम किया उनके बेटे के साथ एक्सरसाइज शुरू की डाइट भी सही की yeah. तो सारा करके उनका एक बैलेंस्ड हो गया जबकि hmm. इस बात को ग्यारह साल बीत चुके हैं इसमें आप एक चीज ये भी देख सकते हो कि ट्रांसप्लांट का रिजल्ट बहुत सालों तक रहता है ठीक है जैसे मैंने बताया कि ग्यारह साल हो गए उनको अभी भी उनके ट्रांसप्लांट सही बने हुए हैं अब धीरे धीरे अगर एग्जिस्टिंग हेयर जो थे वो अगर कम होते हैं तो आप सेकंड ट्रांसप्लांट कर सकते हो तो भगवान ने हमें इतना डोन एरिया दे रखा होता है ज़्यादातर केस में कि हम तीन बार ट्रांसप्लांट कर सकते हैं प्रोवाइडेड ट्रांसप्लांट सही तरीके से किया गया ओके okay. सर uh, जो रिकवरी या जो रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट या ट्रांसप्लांट है वो यंग लोगों का बेटर रिस्पॉन्स होता है कंपेयर टू समबड़ी ऑफ एज राइट right, देखिए थोड़ा फ़र्क है बट ट्रांसप्लांट में इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि एज क्या है इससे ज़्यादा फर्क पड़ता है कि ओवरऑल हेल्थ कंडीशन क्या है

उनको बीपी था बीपी का प्रॉब्लम शुगर का प्रॉब्लम एंड कुछ दवाओं से भी एलर्जी थी तो ऐसे पेशेंट को हम कैसे टैगल करते हैं पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा करने का कर इच्छुक भी नहीं था बट ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हेयर और सर के हेयर भी अच्छे हैं बट अभी है यह कि सेज में जाते जाते हैं देवेंटी टू हेयर लाइन रिसीड हो जाती है थोड़े यहाँ से हेयर कम हो गए थोड़े यहाँ से कम हो गए बी ने ही वॉन्ट दैट और उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है और अभी चार साल हुए हैं बहुत अच्छा रिजल्ट बना हुआ है क्योंकि मैं उनको अक्सर टीवी पर देखते रहता हूँ तो किसी सीरियल में आ जाते हैं किसी मूवी में आ जाते हैं तो अच्छा लगता है देख के nice. और बहुत अच्छी हेयरलाइन बनी हुई है तो hmm. इस एज में भी अच्छा रिस्पांस है अच्छी हेयरलाइन बनी हुई है और कभी कभी कोई 25 का भी है जिसके एरिया बहुत पतले हो गए हैं उसका उतना अच्छा हेयर नहीं आता okay. बट मेडिकली यू शुड बी फिट आपका बीपी नॉर्मल होना चाहिए आपका ब्लड शुगर है अगर आपको डायबिटिक हो तो उससे में नॉर्मल होना चाहिए सिलेक्टिव सर्जरी मैं आपको बताऊं अभी लास्ट ट्यूसडे को ही एक पेशेंट ट्यूसडे हमारा ऑफ होता है बट उन्होंने बोला कि नहीं ट्यूसडे में करा सकता हूँ मुझे सिंगापुर जाना है मैंने कहा ठीक है उसको एडजस्ट करते हैं केम इज वे हाई और इसमें सर्जरी में प्रॉब्लम हो सकती है तो आप दूसरा मैं आपको बताऊं सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन बड़ा सारा आजकल यू नो व्हाट्सएप पे दिख रहा हो तो हेयर ट्रांसफ्लेंट इज अ वेरी माइनर सर्जरी yeah. माइनर सर्जरी इसमें खुद से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकती पेशेंट जब आप इग्नोर करते हो जैसे अगर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे सेंटर हैं जो घोष सर्जरी बोलते हैं घोष सर्जरी क्या होती है कि वो डॉक्टर का क्लिनिक क्लिनिक नहीं है okay. किसी और ने खोला okay. वो उन्होंने किस टीम को बुलाया मे बी टेक्नीशियन टीम और समथिंग एंड दे आर ऑपरेटिंग ठीक है सो दे ओनली नो बाल निकालना और बाल लगाना सो okay. so उसमें आर्ट नहीं पता उसमें साइंस नहीं पता अब अगर साइंस नहीं पता है तो उस हाई बीपी प्रेशर पर भी ट्रांसप्लांट कर दिए होते हैं। हो और अगर वहाँ पे ट्रांसप्लांट होता तो हो सकता कुछ ना हो बट हो सकता है कि कॉम्प्लिकेशन हो जाती तो ऐसे डॉक्टर जब आप किसी डॉक्टर किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके ट्रांसप्लांट कराते हैं तो साइंस जानने की वजह से साइड इफेक्ट कॉम्प्लिकेशन के चांसेस खत्म हैं अब आर्ट क्या है जैसे आपने देखा होगा कि

बिल्कुल। तो अब जैसे मैं करता हूं तो ऑब्वियसली बहुत नेचुरल रिजल्ट आता है ओके वेरी नाइस सर हेयर हेयर ट्रीटमेंट और ट्रांसप्लांट का अंतर क्या है राइट right. तो हेयर ट्रीटमेंट से ज्यादातर लोगों को हेयर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है okay. अगर कोई इस स्टेज पे आ रहा है स्पेशली फीमेल फीमेल में बाई इलाज हेयर ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है okay. क्योंकि कॉजे बहुत ज्यादा हैं है फिसी आर एन डिफिशेंसी निमिया थायराइड प्रॉब्लम हार्मोनल प्रॉब्लम पीसीओडी केमिकल ट्रीटमेंट हेयर स्ट्रेटनिंग हेयर रॉन्डिंग है ना और सारा सैलून में देखो आप तो अब ये सारे कॉमन ट्रीटमेंट है कॉमन प्रॉब्लम है अब उसको हम ट्रीट कर सकते हैं उससे अगर कुछ साइड इफेक्ट हुआ है कुछ प्रॉब्लम हुआ है उसको ट्रीट कर सकते हैं उसमें ट्रांसप्लांट की एंड लाच जरूरत नहीं होती नहीं फीमेल में जी. तो हाफ पॉपुलेशन में तो आप समझ गए कि ट्रांसप्लांट की जरूरत बहुत कम है जी. अब रेस्ट ऑफ द हाफ पॉपुलेशन में आई यानी कि मेल पॉपुलेशन में तो वहाँ पर अगर कोई उस स्टेज पर आ रहा है जो ऑलरेडी बॉल्ड हो चुका है तो ट्रीटमेंट की तो तब भी जरूरत होगी उसके बचे हुए हेयर को बचा के रखने के लिए बट जो एरिया बॉल्ड हो चुका है वहां पे हमें ट्रांसप्लांट की जरूरत तो बेसिक अंतर क्या हो गया हेयर ट्रांसप्लांट इज ए टूल टू रीग्रो हेयर वेयर देर इज नो हेयर जोन जो एरिया पूरी तरह से बॉल्ड हो चुका है उसका ट्रीटमेंट हेयर ट्रांसप्लांट है और जहां पे हेयर है वहां पे रीग्रोथ करने के लिए पतले हेयर ही सही है वहां पे रीग्रोथ करने के लिए हेयर ट्रीटमेंट जी ग्रेट सर यू स्पोक अबाउट हेयर लॉस राइट ग्रे हेयर भी हो जाते हैं जल्दी

फूड हैबिट स्मोकिंग सारे कॉजे इससे क्या होता है कलर आता है कैसे बेसिकली जो करेटिन प्रोटीन से हेयर बनता है करेटिन में हेयर कलर नहीं होता उसके रूट पर मिले साइड सेल्स होती है प्रोड्यूस मिलेन और जब वो मिलेनिन बनाना बंद कर देती है तो वो हेयर वहां पर ग्रे हो जाता है।, है ठीक है तो एक तो जेनेटिक की वजह से दूसरा एजिंग की वजह से जैसे कोई पैंतालीस साल में हेयर ग्रे हो रहा है तो वो नॉर्मल मानता है राइट बट अगर वो पच्चीस में हो रहा है अगर वो पंद्रह में हो रहा है सब तो बहुत छोटे छोटे बच्चे बहुत छोटे छोटे बच्चे हो रहे हैं बता रहा स्कूल के बच्चे आ रहे हैं ग्रेंग के लिए हेयर फॉल के लिए हेयर लाइन रिसीड हो रही है स्कूल मतलब ट्वेल्थ के या उसके पहले की बात कर रहा हूँ तो अब ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है अब हम उसको फ्री रेडिकल्स बनते हैं तो फ्री रेडिकल्स को हम कैसे डाइट से एंटी ऑक्सीडेंट टेबलेट्स आती है पिल्स से ठीक है इनसे हम ठीक कर सकते हैं अब जो हेयर ऑलरेडी ग्रे हो चुके हैं देखिए पूरी तरह से ग्रे को रिवर्स नहीं किया जा सकता ओके okay. राइट उसमें भी बड़े सारे मिथ है जैसे कुछ लोगों को लगता है कि अगर आप ग्रे हेयर को निकाल लोगे तो सारे ग्रे हो कुछ लोग प्लग करते रहते हैं तो यह भी मिथ है प्लग करने से और हेयर ग्रे नहीं होते बट प्लग करना नहीं चाहिए प्लग करने से वहां पे ट्रॉमा होता है okay. और जब आप पास पास के ग्रे हेयर को प्लग करते रहते हो तो वहां पे एक स्कारिंग हो सकता है जहां okay. पे हेयर पूरी तरह से जा सकते हैं ठीक है okay. तो वैसे प्लग नहीं करना चाहिए नहीं, सर ये भी बोलते हैं कि अगर सफेद बाल काटोगे हाँ. तो और निकल आएंगे <laughs> नहीं वो वो वहां से और नहीं निकलते जैसे बहुत सारे मिथ है कॉमन मिथ आपको बताता हूँ ऐसा नहीं की आप व्हाइट हेयर को प्लग कर रहे हैं तो और व्हाइट हो रहा है वो इन जनरल व्हाइट का प्रोसेस चल रहा है आप उसको रोक नहीं रहे हो है ना तो जिस स्पीड से होना है उस स्पीड से हो रहा है मैं नंबर की बात करूँ तो इंडियन पॉपुलेशन में लगभग एक लाख बाल होता है ठीक okay. है वन लाख हेयर हमारे सर में मेल हेड पे मेल फीमेल में लगभग अच्छा okay. तो वन लाख हेयर है एंड एक हेयर में एक ग्राफ्ट होता है ग्राफ्ट इज लाइक गुच्छा ऑफ हेयर ग्रुप ऑफ हेयर yeah. तो एक ग्राफ्ट में वन टू थ्री या फोर हेयर होते हैं मोस्टली राइट फाइव मिल जाते हैं तो हम फोटो खींच लेते हैं उसको अपनी कॉन्फ्रेंस में डाल देते हैं कि देखो फाइव ग्राफ्ट वाला हमको फाइव फॉलिकल वाला ग्राफ्ट मिल गया तो नॉर्मली वन टू थ्री फोर होता है तो एवरेज वी टेक टू वन लाख हेयर का मतलब फिफ्टी थाउजेंड ग्राफ्ट है राइट right. अब अगर आपके एक साल में दो परसेंट हेयर भी ग्रे हो रहे हैं तो लाइक दो लाख दो हजार हेयर ग्रे हो जाएंगे तो ये आप ट्रीटमेंट करते हो तो उसका पेस स्लो हो जाता है ओके ठीक है एंड अर्ली एज है अर्ली ट्वेंटी है तो ट्रीटमेंट का फायदा ज्यादा होता है okay. अगर ये थर्टीज में जाके हो रहा है तो ट्रीटमेंट का फायदा उतना नहीं होता है okay. बिकॉज उसमें नॉर्मल एजिंग वाले ग्रेइंग भी शुरू हो चुकी होती है सर मिथ और फैक्ट बियर से बाल धो लो अच्छे हो जाएंगे राइट देखिए किसी चीज से बाल धुलने से यू नो या कोई शैम्पू लगाने से या कोई ऑयल लगाने से जैसे आपने देखा होगा कि एक बहुत फेमस एक्ट्रेस है उनका एक ऑयल के लिए ऐड आता है है ना फिर वो मीह मता रहता है कि हस्बैंड के हेयर नहीं है ठीक है उनका ये मीँ <laughs> आता राइट right. तो कोई भी तेल ऐसा नहीं है कोई भी ऑयल ऐसा नहीं है कोई भी शैम्पू ऐसा नहीं है इट्स नॉट की इट्स नॉट वाइट एंड ब्लैक कि आप ये लगाओ ठीक हो जाएगा ये करने से खराब हो जाता है इट्स नॉट लाइक दैट मल्टीफैक्टोरियल है ना मैंने कॉजेस आपको बताया कि बहुत सारे कॉजेस हैं ऐसे ट्रीटमेंट भी कॉज को एनालिसिस करके ट्रीट करते हैं जैसे आप जैसे ट्रीटमेंट में देखो पी आर पी पी आर पी स्टैंड फॉर प्लेटलेट रेस्ट प्लाज्मा राइट okay. उसी के एडवांस वर्जन को जीएफसी बोलते हैं ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट बोलते हैं जी. लेकिन क्या हर पेशेंट में करने की जरूरत है नहीं नहीं जैसे अभी कोविड की सेकंड वेव जब आई थी आ, मार्च अप्रैल 2021 में जी. तो उसके दो महीने बाद से जो पेशेंट आने शुरू हुए हेयर फॉल को लेके yes. सबका कोविड था yes. आपको आपने भी फील किया होगा फैमिली में था महीना आपका हेयर फॉल ट्रीटमेंट के मलेरिया कोविड चिकनगुनिया सर्जरी इमोशनल सबसे हो सकता है अब अगर आपकी प्री एग्जिस्टिंग अच्छी नहीं है और कोविड हो गया जो कि थोड़ा सीवियर हुआ जैसे आपने बताया हॉस्पिटलाइज हुआ तो मतलब सीवियर हुआ तो वहाँ पे हेयर फॉल शुरू हो जाता है बट क्या उसके लिए बहुत पीआरपी की जरूरत है नहीं क्योंकि वो सेल्फ लिमिटिंग है आप उसमें विटामिन देंगे रस देंगे टाइम देंगे वो ठीक हो जाएगा डाइट अच्छी करेंगे विटामिन मिनरल्स लेंगे सीरम आप लगा सकते हैं पेप्टाइड्स का वो ठीक हो जाएगा बट हाँ अगर साथ में एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जो जेनेटिक वाला है उसका भी प्रॉब्लम है तो आप साथ में पी पी भी एड कर सकते हैं तो पेशेंट वाइज कॉज ढूंढना है डायग्नोसिस करना है उसको ट्रीटमेंट करना है सर uh, हमारे घरेलू नुस्खे जो होते हैं दादी नानी के नुस्खे दादी नानी के नुस्खे बहुत बहुत फेमस हैं हमारे घर घर में एवरी हाउस होल्ड हैज़ इट मैंने घरों में अपने भी घर में अंडा दही प्याज ग्लिसरीन क्या क्या चीज़ लगा के वीकेंड्स पर देखा है कि स्पेशली द लेडीज ऑफ द हाउस दे ट्राई ऑल दीज नुस्खाज तो क्या क्या ये एक्चुअली इफेक्टिव होते हैं राइट right, सो so दादी न, नानी के नुस्खे भी काम करते हैं जी. जैसे आप देखिए अब मैं प्याज के रस में अथॉरिटी तो नहीं हूँ इसका ज़्यादा यूज आयुर्वेदिक में किया जाता है बट प्याज के रस में सल्फर होता है ठीक है सल्फर अमाइनो एसिड के लिए चाहिए होता है अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है बालों को प्रोटीन चाहिए वहाँ पे वर्क कर सकता है बट हमें ध्यान ये रखना चाहिए जैसे एक प्रॉब्लम होती है जहाँ पे एक सर्कल में बाल चले जाते हैं एक पैच बनता है जहाँ बाल चले जाते हैं इसको एलोपेशिया एरिएटा बोलते हैं ये एक ऑटो प्रॉब्लम है और कई बार बिना किसी ट्रीटमेंट के भी ठीक हो जाती है इस इस प्रॉब्लम में क्या होता है हमारे बॉडी के ही सेल्स हमारे ही बालों के अगेंस्ट काम करने लगते हैं राइट right? और वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं जी तो जब ये इम्यून डिसरेगुलेशन ठीक हो जाता है तो वो बाल ठीक हो जाते हैं तो उसका एलोपैथी में भी इलाज है आयुर्वेदिक में भी इलाज है वो तो जब आप प्याज का रस लगाते हो वो एक इरिटेंट की तरह काम करता है और वहाँ पर हेयर ग्रो हो जाता है ओके बहुत सारे कॉजेस हैं इन जनरल जो कि सेल्फ लिमिटिंग है जैसे मैंने बताया कि कोविड के बाद हेयर फॉल हो रहा है है ना अब मान लीजिए एक समय के बाद हेयर फॉल की साइकिल ठीक हो जानी है हेयर फॉल रुक जाना है और उसी समय बंदे ने प्याज का रस लगाया हेयर फॉल ठीक हो गया तो उसके दिमाग में क्या आया प्याज के रस की वजह से ठीक हो रहा है बट ऐसा नहीं है उसका तो वैसे ही ठीक होना था फॉर देट मैटर हमारे पास भी आता है तो मैं तो बता देता हूँ कि ये ठीक होने ही वाला है जी अब आपको विटामिन वगैरह खा लीजिए ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए जी जो फॉल चार महीने होने वाला है वो दो महीने हो जाएगा जी जो पर डे हेयरफॉल दो सौ हेयर गिर रहे हैं वो सौ हो जाएंगे और वो अपना टाइम लेके ठीक हो जाएगा राइट right. तो प्याज करस काम कर रहा है बट ऐसे क्रूड प्याज करस लेके नहीं लगाना चाहिए उससे कई बार इरिटेंट हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ इरिटेंट डर्मेटाइटिस के साथ आते हैं हाँ, स्केल पे रेडनेस हो रही है इचिंग हो रही है घाव हो गया फिर उसमें स्क्रैच कर लिया उसको ठीक करने के लिए उसमें कुछ और ऐसा लगा दिया जहां इरिटेंट हो गया नीम का, नीम का रस लगा दिया जी तो अब आप पहले आपने प्याज का रस लगाया उसमें रिटेंट हो गया उसमें आपने नीम का रस लगाया अभी पूरा खराब हो गया उसमें इन्फेक्शन हो गया पस हो गया ठीक है तो जो जो एलोपेशिया रेटा पहले आराम से ठीक किया जा सकता था अब वो ठीक होने के बाद वहाँ पे स्कार हो जाएगा हम एंटीबायोटिक देंगे पस ठीक करेंगे स्कार हो जाएगा और उस स्कार को ठीक करने के लिए अब हेयर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा तो जो सिंपल दवाओं से ठीक हो सकता था या क्या पता अपने आप ही ठीक हो सकता था विदाउट एनी मेडिकेशन वहाँ पर आपको ट्रांसप्लांट करना पड़ रहा है तो इसलिए अगर आपका कोई भी ट्रीटमेंट करना है जैसे मैं मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ एम एम डी लेकिन होम्योपैथिक में भी ट्रीटमेंट होगा आयुर्वेदिक में भी ट्रीटमेंट होगा तो अगर आपको किसी भी पैथी में बिलीव है तो आपको क्या करना है एक अच्छे प्रैक्टिशनर के पास जाना है जिनका एक हेयर में अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो वहाँ जाके अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको अच्छा आराम मिलेगा ना कि आपको यूट्यूब पे देखना है ठीक है और वहाँ से थोड़ा सा ज्ञान लेना है और थोड़े से ज्ञान के साथ अपना ही ट्रीटमेंट करना है और वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है और मैंने देखा ये केवल लोशोशनॉमिक स्टडीज़ के साथ नहीं है अच्छे खासे पढ़े लोग आई एम की बात कर रहा हो ठीक है स्किन का प्रॉब्लम था वार्ड था नॉट हेयर लॉस बट वार्ड पे बंदे ने चूना लगा लिया लाइन ठीक है ओके राइट अब वहाँ पे वार्ड तो चला गया बट वहाँ की स्किन भी चली गई ठीक है एनी गोड कार सो ही केम टू मी फॉर स्कार कार रिविजन विद लेजर और द सर्जरी ठीक है जबकि मैं एक आई के बंदे की बात कर रहा हूँ ऐसा बहुत बार हुआ है ठीक है कि आप वहाँ पे कुछ लोगों ने ऐसा कुछ केमिकल लगाया जिससे कभी कभी पूरी तरह से ठीक हो जाता है विदाउट लॉस बट बहुत बार वहाँ पे स्कारिंग हो जाती है तो आप अच्छा इंडिया में बताऊँ कि डॉक्टर्स की कमी उतनी भी नहीं है मैं अभी एक पेशेंट मेरे पास आया न्यूजीलैंड से ऑकलैंड में रहता है वो पूरे न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन पचास लाख है जिसमें से बीस लाख लोग ऑकलैंड में रहते हैं ठीक है उसने मुझे बताया कि सर पूरे ऑकलैंड में छह डर्मेटोलॉजिस्ट है ओके और डर्मेटोलॉस्ट की अगर आपको अपॉइंटमेंट लेनी है तो तीन महीने का मिनिमम वेटिंग पीरियड होता है हमारे यहाँ ऐसा नहीं है डर्मेटोलॉलिज का ट्रीटमेंट चाहिए कल नहीं मिलेगा जैसे मेरा अपॉइंटमेंट होता है दो दिन बाद मिल जाता है ठीक है फोर्टी एट आवर्स से मिल जाएगा मेरा नहीं मिला आप किसी और डरमेटॉलिज को दिखा सकते हो राइट तो आप जब इतनी अवेलेबिलिटी है हमारे पास मैं छोटे शहरों की भी बात कर रहा हूँ वहाँ भी अवेलेबिलिटी होगी तो आप किसी भी ऐसे इंसान के पास ऐसे डॉक्टर के पास जाएँ जिसका सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस है तो आपको वहाँ पे फ़ायदा ज़्यादा होगा जी सर जो जेनेटिक हेयर लॉस है जेनेटिक हेयर लॉस तो चली समझ में आता है कि एक जनरेशन टू जनरेशन बेसिकली पास ऑन हो जाता है वो राइट अब उस उस डिफेक्ट को को कह कह लीजिए लीजिए या उस एक एक प्रॉब्लम कि आपका दादाजी के हेयर लॉस थे तो शायद फादर के भी हो रहे हैं शायद आपके भी हो रहे हैं देर आईव हर्ड थिंग्स लाइक कि एक जनरेशन छोड़ के बाल जाते हैं ऐसा भी होता है आ, नहीं ऐसा नहीं है देखिए जरूरी नहीं है कि फादर के बाल गए हैं तो बेटे के बाल जाए ही ठीक okay. okay. है क्योंकि जीन दोनों तरफ से आता है पेटर्न साइड से भी मेटल साइड से भी ठीक है, है। जैसे अब हमारे यहां देखिए हमारे नेहरू जी के हेयर नहीं थे ठीक है ये लड़कों में आता है तो इंदिरा जी बाईपास फिर आप देखिए राहुल राजीव गांधी साहब के हेयर नहीं थे संजय गांधी साहब के हेयर नहीं थे बट नेक्स्ट जनरेशन में आप देखिए वरुण गांधी के और राहुल गांधी जी के बड़े अच्छे हेयर हैं क्यों क्योंकि अब ट्रीटमेंट आ चुका है जी। उस जमाने में ट्रीटमेंट नहीं था तो अगर आप प्राइम मिनिस्टर भी थे तो भी आप हेयर को रोक नहीं सकते थे बिकॉज वो जेनेटिक आ चुका था राइट वैसे आप बॉलीवुड में देखिए ऋतिक रोशन के अच्छे हेयर हैं उनके फादर के हेयर नहीं थे राइट जो आपको हेयर पे ही आपका सब कुछ डिपेंड करता है हेयर पे लुक पे और एक्टर

तो मेरी यहाँ फोर्थ जनरेशन में बॉर्डनेस थी तो ऐसा नहीं कोई जनरेशन स्किप हुई थी फोर्थ जनरेशन लगातार बॉर्ड आ रही थी बट okay. अब ट्रीटमेंट आ चुका था और मुझे बड़ा शौक था हेयर का शुरू से ही लड़कों के बाद ज्यादा कुछ होता नहीं हेयर ही सेट करने होते हैं ठीक है फिटनेस हेयर टू थिंग्स राइट कपड़े में क्या है ब्लू जींस पहननी है व्हाइट टी शर्ट पहननी है ठीक है <laughs> ज्यादा कुछ तो है नहीं करने को तो एटलीस्ट हेयर को आपको ठीक रखता है तो शुरू में जब मैं एमबीबीएस कर रहा था मेरे आई मीन ट्वेंटी एज रही होगी ना एम तो ट्वेंटी ईयर से मेरा ट्रीटमेंट हेयर पे ऑन एंड ऑफ काइंड ऑफ चल रहा है तो कभी डाइट से कभी कुछ विटामिन खा के yes. कभी कुछ दवाएं खा के उसको आप रोक सकते हो बाद में पी आर पी कराइट right. तो शुरू के आठ साल मैंने दूसरे डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया अपने लिए okay. और लास्ट बारह साल से जब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ हेयर की एक्सटेंसिवली तब से मैं खुद ट्रीटमेंट कर रहा हूँ तो उससे जी. आप हेयर को रोक सकते हो जी यू थिंक इंडिया में अभी भी सोशल स्टिग्मा है अबाउट हेयर ट्रांसप्लांटिंग एंड हेयर ट्रीटमेंट लोग क्या थोड़ा कतरते हैं बताने में कि मैं करवा रहा हूँ कुछ ऐसा हाँ स्टिग्मा लाइक ऐसा ज्यादा सोशल स्टिग्मा नहीं है बट बहुत सारे लोग छुपाना भी चाहते हैं ठीक है तो बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखा कि ट्रांसप्लांट कराते हैं उसके बाद यूरोप घूमने चले जाते हैं पंद्रह दिन बाद वो लगभग नॉर्मल लगने लगता है फिर वापस आ जाते हैं तो ये हो गया बहुत सारे लोग अपनी फोटोग्राफ नहीं दिखाना चाहते स्पेशली जिनकी फेस वैल्यू बहुत ज्यादा है मैंने बहुत सारे एक्टर्स का ट्रांसप्लांट किया है तो उनमें बहुत से कम एक्टर्स ने मुझे अलाउ किया है कि आप मेरी फोटो दिखाइए राइट दिखाईए ऑब्वियस है बहुत सारे लोगों ने बोला कि नहीं आप मेरा फोटो मत दिखाइए तो इमेज वाली बात है तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है

दो डॉक्टर हैं पांच छह टेक्नीशियन हैं और फुल डे लगता है एक ट्रांसप्लांट करने में फुल वन डे लगता है तो ये हो गया अब रही बात कॉस्ट की पर हेयर आपने पूछा तो हेयर ग्राफ्ट के अकॉर्डिंग एक कॉस्ट होती है ग्राफ्ट इज ग्रुप ऑफ हेयर yes. दूसरा तरीका यह कि एरिया के वाइज हो जाती है कि आपका ग्रेड टू बॉल्डनेस है ग्रेड थ्री बॉल्डनेस है ग्रेड फोर है फाइव है सिक्स है सेवन ग्रेड okay. के बारे में मैं भी बताता हूँ तो मतलब थोड़ा बॉल्डनेस है ज्यादा बॉल्डनेस है बहुत ज्यादा बॉल्डनेस है बहुत ज़्यादा बॉल्डनेस है तो दो सीटिंग करनी पड़ती है दो सीटिंग होगी तो ऑब्वियसली कॉस्ट डबल हो जाएगा उससे कम बॉल्डनेस है तो एक में कवर हो जाएगा बट फिर भी ज्यादा बॉल्डनेस थी ज्यादा ग्राफ लगेगा ज्यादा टाइम लगेगा तो ज्यादा कॉस्ट होगी और केवल हेयर लाइन गई है तो जब ऐसे लोग भी हैं जो ग्रेड टू में कराते हैं मैं नॉर्मली मैं ग्रेड टू में नहीं करता हूँ अच्छा ग्रेडिंग क्या होती है मैं आपको बता दू ग्रेड वन से स्टार्टिंग शुरू होती है तो वहाँ पे हल्का सा हेयर थिनिंग यहाँ पे लगता है जैसे मेरा भी ग्रेड वन लाइन रिसीड हो जाती है हेयर लाइन थोड़ी सी रिसीड होनी शुरू होती है एंड हेयर थिनिंग शुरू होती है फ्रंट पे दैट इज ग्रेड वन आप देखेंगे यहाँ के बालों की क्वालिटी बेटर होगी यहाँ तक और यहाँ सामने से हेयर थिनिंग शुरू हो जाती है तो उसमें हेयर ट्रांसप्लांट का केस नहीं होता है हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए पेशेंट आते हैं भी तो आपको उनको समझा के घर भेज देना है और उनका ट्रीटमेंट करना है तो उसको हम मेडिकल ट्रीटमेंट से ईजीली कंट्रोल कर सकते हैं जी और ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं है ग्रेड टू में ऐसे लोग जो फिल्म लाइन में हैं जो यूट्यूबर हैं या जिनका कैमरे के सामने ही काम है वो लोग कभी कभी हेयर ट्रांसप्लांट की उनको रिक्वायरमेंट होती है और हम करते हैं ग्रेड थ्री जब होता है तो बाल इतना रिसीड हो चुका है होता है कि वो बॉर्ड लुक आना शुरू हो जाता है तो ग्रेड थ्री ऑनवर्ड ग्रेड थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन में ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है ग्रेड सेवन में मोस्टली हो नहीं पाता क्योंकि पूरा बॉर्डलेस हो चुका रहता है तो जो ग्राफ्ट की डिमांड सप्लाई रेशियो है वो काफी खराब हो चुका होता okay. है तो ग्रेड में कई बार ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता जी तो अर्ली ग्रेड में देखा जाए तो ग्रेड टू थ्री फोर फाइव सिक्स में ट्रांसप्लांट होता है और उसी के हिसाब से कॉस्ट रहता है ग्रेड में क्या हमारे पीछे के बाल साइड के बाल रह जाते हैं जहां से हम ग्राफ्ट करते हैं राइट तो जैसे देखिए ग्रेड सेवन अगर अर्ली एज में हो रहा है जैसे मैंने बताया कि बहुत जल्दी आजकल हेयर फॉल हो रहा है जी अब जैसे मैंने बताया कल एक बच्चा आया जो कि सेवनटीन ईयर का है अब मैं उसका ट्रीटमेंट करूंगा तो वो बॉल नहीं होगा लेकिन अगर उसका ट्रीटमेंट न किया जाए तो इस स्टेज पे अगर प्रॉब्लम शुरू हो गई तो एट द एज ऑफ ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी तक बॉलनेस हो जाएगी right. ग्रेड सेवन तक भी हो सकती है बट उसमें ट्रांसप्लांट किया जा सकता होगा क्योंकि यहाँ पे इतने हेयर अवेलेबल होंगे कि हम ट्रांसप्लांट करके ग्रेड सेवन में भी एक अच्छा रिजल्ट दे पाए बिकॉज इज अंग पर्सन इज यंग पर्सन अब कि अभी उसके यहाँ पे हेयर अच्छे होंगे प्लस अगर बेड की भी जरूरत होती है, तो हम से भी ग्राफ्ट निकालते हैं बहुत अच्छी हीलिंग होती है तीन दिन में यह हेरिया हील हो जाता है तो स्केल बियड इज द कॉमन सोर्स फॉर ग्राफ्ट इसके अलावा कुछ केसेज में अगर बॉडी में हेयर बहुत अच्छे हैं तो वहाँ से भी ग्राफ्ट लेके ट्रांसप्लांट किया, जा, किया सकता जा सकता है, है तो इसलिए ट्रांसप्लांट वहां पर हो पाता है लेकिन अगर बहुत जल्दी बॉनलेस हो चुकी है ग्रेड सेवन हो चुका है ग्रेड सेवन हुए है, भी बहुत साल हो चुका है तब वहां पर ट्रांसप्लांट अटेंट नहीं करना नहीं करेंगे इज हेयर लॉस डिफरेंट फॉर मैन एंड वेमेन सी हेयर लॉस मेल में जो मेन कॉज है वो जेनेटिक है जैसे मैंने बताया दादाजी को फादर को या मामा जी को नाना जी को वहां से आना तो जेनेटिक इज द मेन कॉज ऑफ बॉन्डलेस इन मेल राइट और जो चीजें मैंने बताई हेयर फॉल के लिए वो उसको और बढ़ा देते हैं जैसे आपको डेंडर बहुत ज्यादा है वो उसको और बढ़ा देगा से से भी बाल बाल गिरते गिरते हैं हैं की वजह वहां पे इंफ्लामेशन होता है बहुत ज्यादा अगर डेंडरफ हो रहा है बहुत ज्यादा आप जेल यूज कर रहे हो हम्म अभी आप देखो यंगस्टर में जेल बहुत यूज करते हैं तो जेल बेसिकली नाइनटीन सिक्सटीज में बना था है ना यूएस के हेयर जेल हेयर हाँ राइट डी पी करके एक प्रोडक्ट होता है उसकी वजह से आप उसको बना के रख सकते हो तो वो चीज जब बना था तो वो केमिकल है है ना जैसे हेयर स्ट्रेटनिंग में सोडियम थायोग्लाइकोलेट यूज होता है वो आपके नेचुरल बॉन्ड को ब्रेक करता है तो किसी भी चीज की नेचुरलिटी को आप ब्रेक करोगे तो वो क्या स्ट्रांग होगी वो तो कमजोरी होगी ठीक है तो ये सारे कॉजेज जो है जहाँ पे केमिकल यूज हो रहा है ना उस चीज़ को और बढ़ा देता है तो जेनेटिक तो प्रीडिसपोजिशन था ही फिर आपका केमिकल यूज आ गया आपकी स्लीपिंग डिसऑर्डर आ गया आपका फूड हैबिट आ गया आपका स्मोकिंग आ गया अब ये सब चीज़ें उसको और बढ़ावा देते हैं तो अब जैसे बंच ऑफ पीपल स्पेशली लेडीज दे गो फॉर हेयर कलर्स क्योंकि ग्रेइंग हो जाती है कुछ हो जाता है एक नेचुरल लुक देने के लिए नेचुरल कलरिंग भी करते हैं लोग तो ऐसे ट्रीटमेंट्स भी होते होंगे जो उस कलर को थोड़ा सा जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं या उसके इल इफेक्ट्स हैं रिवर्स कर देते होंगे बिल्कुल देखिए जैसे अभी हेयर जेल या हेयर कलर या हेयर स्ट्रेटनर इनके बारे में बताता हूँ तो जैसे हेयर जेल में केमिकल है तो आपको यूज करना है तो आप बहुत ही कम यूज करो ठीक है okay. जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टी आ गया आपने वहाँ यूज कर लिया या उसका ऑल्टरनेटिव भी है okay. ठीक है okay. एक तो उस समय खुद के स्केल में बहुत ऑयलीनेस ना हो डेंड्रफ नहीं हो अदरवाइज वहाँ पे आप जेल लगाओगे तो आप खुद ही समझो कि पहले से डेंड्रफ है ऑयल है आपने जेल भी लगा दिया तो पूरा मेसी हो जाएगा right. राइट तो स्केल्प शुड बी क्लीन आपने जेल अगर यूज करना भी आपने कर लिया तो नेक्स्ट डे आप शैम्पू कर लो उसको धो दो ठीक है वॉश कर लो उसको और उसके अल्टरनेटिव हैं यू कैन अप्लाई अ गुड ऑयल राइट आपको हेयर स्टाइल करना है आपको हेयर ठीक रखना है जैसे आपने हेयर ठीक रख रखे हैं ठीक है तो उसको आपको और चीजों से भी कर सकते हैं इसके अलावा पेप्टाइड सीरम आते हैं वो बेसिकली हेयर ट्रीटमेंट में यूज होते हैं हेयर okay. ट्रीटमेंट में यूज होते हैं जैसे माई ब्रदर इन लॉ इज़ पायलट इन इंडिया को तो मैंने उसको एक सीरम दिया उसके बाल वैसे अच्छे हैं तो उससे अब वो स्टाइल कर लेता है तो अब वो इज हैप्पी कि वो जेल यूज़ नहीं कर रहा है वो एक केमिकल यूज नहीं कर रहा है वो ऐसा कुछ सीरम यूज कर रहा है जो एनी हेयर फॉल का ट्रीटमेंट भी है Okay. तो okay. so, like okay. कलरिंग जा, कलर सबसे कम होता है, है। okay. दोस्त के अंदर भी केमिकल होते हैं कुछ लोगों को केमिकल से एलर्जी भी होती है पैराफिनाइल डायमिन होता है अमोनिया जो होता है अमोनिया फ्री हेयर कलर आने लगे हैं काफी सारे लॉन्जिविटी थोड़ी कम हो जाती है कलर की बट उससे हेयर को कम नुकसान होता है okay. तो अमोनिया फ्री हेयर कलर यूज कर सकते हैं okay. इसके अलावा कुछ हर्बल कलर भी यूज कर सकते हैं अगर उससे भी प्रॉब्लम हो रही है तो ओके आयुर्वेद वर्सेज एलोपैथिक एन एलोपैथिक डॉक्टर आई नो दिस आप ऑफकोर्स यूर एट द टॉप ऑफ योर फील्ड आपको भी पता है कि भाई एलोपैथी के क्या फ़ायदे हैं आयुर्वेद में भी कुछ अच्छे सोल्यूशन डू यू थिंक आर दाँ डेफिनेटली सी आयुर्वेद में डेफिनेटली अच्छे सोल्यूशन होंगे uh, और प्रीवेंटिव के लिए आयुर्वेद बहुत अच्छा है है ना okay. कि आप प्रॉब्लम शुरू हुई है जैसे आप समझ लीजिए कि आप योगा कर रहे हो जी तो योगा अगर आपने अर्ली एज में शुरू कर लिया है आप एक सही लाइफ स्टाइल को फॉलो कर रहे हो जी. तो आपको बीपी अगर आने वाला था ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होने वाली थी तो वो नहीं होगी है ना तो वो प्रिवेंटिव हो गया बट अगर आपको प्रॉब्लम हो चुकी है राइट आपको डायबिटीज हो गया प्रॉब्लम हो चुकी है बीपी हो चुका है तो भी आप इसको करेंगे तो एक तो उसकी रोकथाम रहेगी दवाइयां कम लेनी पड़ेंगी बट आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की भी जरूरत होगी राइट तो अगर कोई बॉर्ड हो चुका है फिर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करके बालों को नहीं उगा सकते हो होते 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 एलोपैथी ट्रीटमेंट करके भी वे नहीं उगा सकते हो फिर आपको हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करना पड़ेगा बट प्रिवेंटिव चीज के लिए आपकी लाइफ स्टाइल आपकी डाइट सम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ऑल्सो वर्क एक ये आ, हम रेगुलर हेड मसाज कराते हैं राइट हमारे इंडियन कल्चर के अंदर हेड मसाज इज अ वेरी जैसे छोटे बचपन से ही हमारी कहा जाता है कि बच्चों की मालिश करो सिर की मालिश करो बाल अच्छे बनेंगे अगर रेगुलर हेड मसाज करा रहे हैं वीकली लेट्स से डज़ इट मेक यू ग्रो हेयर और डज इट मेक यू लूज हेयर या उसका कोई इफेक्ट क्या होता है शाह हमारे बालों पे जी रेगुलर हेड मसाज से ऐसा नहीं कि लूज हेयर और इवन गेन हेयर थोड़ा ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है तो इट्स नॉट बैड यू कैन गो फॉर इट बट उससे आप ऐसा भी नहीं है कि हेयर ग्रोथ होगा ओके ठीक है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से थोड़ा फ़ायदा हो सकता है जैसे आपने मेनोसोडिल का नाम सुना होगा अभी हम लोग वो डिस्कस करेंगे कुछ मेडिसिन के बारे में तो मेनोक्सोडिल बहुत तरीके से काम करती है उसमें एक इंपॉर्टेंट काम यह भी है कि ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाती है तो okay. ऑब्वियसली ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा तो हेयर हेल्दी होंगे सो इन दैट वे मसाज कैन हेल्प सर मैं यूजली बाल जब भी रखता हूँ तो छोटे रखता हूँ क्योंकि मेरे को अब हो सकता है इट्स इट्स इन द बैक ऑफ माई हेड कि छोटे बाल गिरते जल्दी नहीं है सही है या गलत है ये कुछ राइट right. सी uh, छोटे बालों को मैनेज करना आसान है बट ऐसा नहीं है कि लंबे बाल रखने की वजह से बाल गिर रहा है okay. तो ना एक ये भी मिथ है कि आप बाल को शेव करा लो तो अगली बार बाल अच्छे आएंगे बहुत से लोग उसको शेव कराते रहते ये है, बहुत right? लोग बताते हैं राइट right. और उनका यह भी आर्ग्यूमेंट रहता है कि देखिए हम बी शेव करते हैं तो बी के बाल थिक हो रहे हैं जी तो ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है सी बी एड के पंद्रह सोलह साल में आने शुरू होते हैं एडोलशन होता है चेंजेस होते हैं एड के एयर आने शुरू होते हैं पच्चीस से अट्ठाईस साल तक बेड की ग्रोथ बढ़ती रहती है बी के हेयर थिक होते रहते हैं उसके बाद वो रुक जाता है अब लगभग

दो एडवांटेज आप बोल सकते हो एक तो दबा लगाना थोड़ा आसान रहेगा ठीक है दूसरा जब बाल आपको गिरेंगे नहीं आप बाल है नहीं तो दिखेंगे नहीं गिर रहे हैं तो आपको वो स्ट्रेस नहीं होगा ठीक है बट रियल में ऐसा नहीं कि आप शेव कर रहे हो तो उसके बाद नेक्स्ट बार जब आपकी क्रॉप आएगी बालों की तो वो अच्छी हो जाएगी ठीक हो जाएगी या हेयर फॉल रुकेगा ऐसा कुछ नहीं बट जो हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं ना वो ये मेरे से कहते हैं कि सर आप आपको अगर हेयर फॉल का डाउट है या आपको लगता है कि जल्दी ना गिर जाए बाल तो लंबे बाल मत रखिए लंबे बाल ज्यादा भारी देखिए फीमेल में हेयर इन जनरल मेल से लंबे होंगे राइट तो अगर हेयर के वेट वेट के हिसाब से या हेयर की लेंथ के हिसाब से बाल गिरने होते हैं तो फीमेल में हमेशा बाल गिर जाते बट ऐसा नहीं होता ठीक है तो नहीं नहीं फीमेल में हेयर लॉस के नहीं फीमेल में बॉल्डिंग कहाँ होती है मैं भी तो रहा आ, कि फिर तो फिर उनकी बॉल्डिंग जल्दी हो जाती, जल जाती है तो फीमेल जी. में बॉन्डलेस नहीं होती जबकि बॉन्डलेस मेल में हो रही है रहा? और मेल के हेयर की लेंथ तो छोटी होती है बिल्कुल. तो ऐसा नहीं कुछ लेंथ से फर्क पड़ रहा है आ, अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो सिंपली आप इसको ट्रीट करिए हेयर फॉल रुक जाएगा एक एक चीज़ और वो करता है जो मेरा हेयर स्टाइलिस्ट है वो क्या करता है वो एक थिनिंग सीजर लेता है सम पैचेज ही यूज दैट थिनिंग वो कहता है जी आपके इधर बाल ज्यादा डेंस है इधर बालों की डेंसिटी कम है तो ये ऐसे अलग अलग पैचेज में हेयर डेंसिटी डिफरेंट शेड हो जाती है इसके हाल में अपने आप हाँ नेचुरल प्रोसेस है या शायद वो जो हमने तो बचपन से जो सिर की मालिश कराई है या ऑयल कराया है उसकी वजह से कोई डेंसिटी में हेयर की डेंसिटी ऑन एन एवरेज अराउंड हंड्रेड ग्राफ्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है okay. तो जब हम ट्रांसप्लांट भी कर रहे होते हैं तो हम फिफ्टी फिफ्टी फाइव ग्राफ्ट सेंटीमीटर स्क्वायर अगर करते हैं फ्रंटल में तो बहुत अच्छी डेंसिटी आती, आती है बहुत हाई डेंसिटी आती है और भगवान ने हमें एक्स्ट्रा दे रखा है जैसे आप देखो यहां से हम ग्राफ्ट निकाल लेते हैं बट पता नहीं लगता और ऐसे हम तीन बार कर सकते हैं तो मतलब इतना एक्स्ट्रा डेंसिटी

उसको बांध रहे हो तो वो लाइन पीछे जाती है तो उसमें भी हो कि कहीं हाई है, कहीं लो है, बाल कोट वैसे जैसे आप दवा लगा रहे हो ठीक है जैसे मिनोक्सिडिल का एक इंपॉर्टेंट ये रहता है साइड इफेक्ट की उससे कभी फेशियल हेयर ग्रोथ हो सकती है फीमेल में कॉमनली है ना तो वो एक उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं तो दवा को सोने के आधे से एक घंटे पहले लगा लेना चाहिए उसके बाद हैंड वॉश कर लेना चाहिए क्योंकि okay. अगर आप हैंड वॉश नहीं करते हो दवा हाथ में लगी हुई है तो हल्के हल्के रोए से ग्रोथ यहाँ पे हो सकते हैं ठीक okay. है बेबी हेयर नॉट स्ट्रॉन्ग हेयर और अगर आप खुले बाल करके सो रहे हो है ना तो वो आके आपके फेस पे जाएगा hmm. या ट्रिकल होके नीचे की तरफ आएगा तो फोर हेड पे एंड यहाँ पे हल्की सी ग्रोथ कर सकता है अनवॉन्टेड हेयर जो कि नहीं चाहिए तो लगाने का सही तरीका क्या होगा वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होना चाहिए टू एम एल पर डे इज एडवाइजल नॉट मोर देन दैट परसेंटेज ज्यादा नहीं होने चाहिए तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा ना हो क्वानिटी ज्यादा ना हो सोने के एक घंटे पहले लगाए हैंड वॉश कर लें और बालों को टाई करके सोए सर uh, डाइट की बात करेंगे Is they all these three things are not good for hair quality. सी इसमें जनरलाइज नहीं है मैं आपको बताऊं आई वाज इन पी जे आई आई वॉज डूंग एम डी देट टाइम तो एक प्रॉब्लम होती है अर्टिकेरिया स्किन एलर्जी होती है जिसमें रेड कलर के निशान बन हाँ जाते हैं एंड यू नो इट्स अर्टिकेरिया तो एक बच्चे को अर्टिकेरिया था फिर मदर को किसी ने बताया कि ये छोड़ दो ठीक हो जाएगा वो छोड़ दो ठीक हो जाएगा एंड अल्टीमेटली वो बच्चा जो है सोलह सत्रह साल का बच्चा है वो केवल दाल रोटी खा रहा था क्योंकि उसका सब कुछ छुड़वा दिया गया था तो इट्स नॉट लाइक दैट आपको क्या चाहिए इसे ग्लूटिन रोटी में होता है ग्लूटेन से कुछ लोगों को एलर्जी होती है एक स्किन की प्रॉब्लम डेमेटाट सर्पटी फॉर्मिस होती है जिसमें ग्लूटेन एलर्जी होती है ठीक है तो अगर आपको उस पर्टिकुलर चीज से प्रॉब्लम है तो ही अवॉइड करना है इन जनरल ग्लूटेन फ्री डाइट आपको करने की जरूरत नहीं है हेयर के okay. लिए जहाँ तक शुगर का सवाल है शुगर डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट करता है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है अवॉइड करना चाहिए या बहुत ही कम मात्रा में लेना चाहिए बहुत हाई लेवल पे सॉल्ट लेने से भी प्रॉब्लम होती है ठीक okay. है अर्ली ग्रेइंग भी उससे हो सकता है तो हाई सॉल्ट डाइट हाई शुगर डाइट हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स पैकेजेड फूड राइट ये सब चीजें सारी अवॉइड कर दीजिए डेयरी इज़ नॉट बैड डेयरी में तो बहुत सारे जैसे आप जो नॉन वेज नहीं ले रहे हैं तो उनके पास जो वेज आइटम है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें प्रोटीन और ये चीज़ें ज़्यादा हैं विटामिन उनमें डेयरी प्रोडक्ट भी एक है ठीक है तो ऐसा नहीं कि डेयरी वहाँ पर अवॉइड करना है जिसको इसी इसीलिए इसी एक डॉक्टर की जरूरत होती है नो जब वो पेशेंट आता है हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं हमें पता लगता है उसको किसी से प्रॉब्लम हो सकती है या हो रही है हम उसको वो चीज केवल अवॉइड करने को बोलते हैं जनरलाइज नहीं बोल सकते कि आप ग्लूटेन फ्री डेयरी लो शुगर फ्री डेफिनेटली बिकॉज उससे uh, आपका ओवरऑल एक मेटाबॉलिज्म पे फर्क पड़ता है हाई शुगर इंडेक्स की हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की फूड आप लोगे तो न केवल बालों पर फर्क पड़ेगा बल्कि आपके वेट पे भी फर्क पड़ेगा और निगेटिव फर्क पड़ेगा तो उसको अवॉइड करना चाहिए वेजिटेरियन डाइट वर्स नॉन वेजिटेरियन डाइट सी सी नॉन वेज एक इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है प्रोटीन के लिए प्रोटीन जिसकी इन जनरल भी जरूरत होती है हेयर के लिए भी जरूरत होती है बट इसका ये मतलब नहीं है कि वेज में ऑप्शन नहीं है अभी बहुत सारी कम्युनिटी है जो प्योर वेजिटेरियन होती है लाइक जैन मैं भी इवन ज्यादा नॉनवेज नहीं खाता हूँ तो वेज में भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप वो चीज़ें पूरी कर सकते हो जैसे आप सोया ले सकते हो आप लेंटिस ले सकते हो आप नट्स ले सकते हो है ना अखरोट बादाम स्प्राउट्स ओट्स जी देन आंवला राइट जी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपका आयरन डिफिशियंसी आप स्पिनच खा लो ठीक हो जाएगा है ना थोड़ा टेस्टी नहीं लगेगा आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बट आप उसका जूस बनाओ बीट रूट बीट रूट का बीट जूस, जूस बनाओ ठीक है आपका विटामिन आपका आयरन डिफिशियंसी ठीक हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन लेवल थोड़ा कम है ठीक हो जाएगा तो अगर थोड़ा बहुत डिफिशियंसी है तो डाइट से ही कंट्रोल हो जाता है आप उसके लिए आंवला बोला मुझे याद आया एकदम से कि इनफैक्ट माई मॉम ऑल्सो दिस कि यार तुम एक काम करो अब तुम्हारा एक टाइम ऐसा आ गया अब तुम थोड़ा सा आंवला के सीजन में आप आंवला खाना शुरू कर दो तुम्हारे बाल कभी सफ़ेद नहीं होंगे राइट सी आंवले में विटामिन सी होता है हम सबको पता है ठीक है इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट होता है तो जो हेयर ग्रीन का जो कॉज है मिले नहीं बनना तो एक तो एजिंग हो गया, जेनेटिक हो गया। इसके अलावा आंवले में होता है। तो सब है। जो दादी दानी के नुस्खे हैं जो सदियों से आ रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें साइंटिफिक तो, है तो उसके अच्छे इंपैक्ट भी है लेकिन अगर आप गलत तरीके से यूज कर सकते हो जैसे मैंने प्याज का बताया तो आपको नुकसान भी हो सकता है राइट तो इसीलिए आप एक

जैसे नॉर्मली अगर किसी का हेयर फॉल होता है तो कुछ सर्टेन ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन फेरेटिन विटामिन डी विटामिन डी पूरे इंडिया का डिफिशियंट है इन जनरल इंडियन पॉपुलेशन ऑफ विटामिन डी डिफिशियंट राइट और उससे और भी प्रॉब्लम होती है विटामिन डी से हेयर फॉल तो उतना ज़्यादा नहीं होता बहुत कम विटामिन डी होगा तो होगा बट उसे बोन प्रॉब्लम होती है ट्रडिशनली वी नो हार्मोनल की तरह भी काम करता है मूड डिस्टर्बेंस होते हैं और इनको ट्रीट करना बहुत आसान है बी कॉम्प्लेक्स डेफिशियं बी कॉम्प्लेक्ट उतनी कॉमन नहीं है लेकिन प्योर वेजिटेरियन में थोड़ी देखी जाती है ठीक है, 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 है तो उसके आप डायटरी है प्लस आप उसकी टेबलेट ले सकते हैं राइट सर ये जो बड़ी बड़ी शैम्पू कंपनीज हैं दे आर सेलिंग थ्रू एडवर्टाइजिंग ऑफकोर्स राइट Uh, उस एडवर्टाइजिंग के अंदर आप देखेंगे इतने बढ़िया बढ़िया ग्राफिक्स बने होते हैं बिल्कुल जड़ से लेके एकदम बाल की एकदम पूरा उसको ऐसे दिखाते हैं जैसे यू नो दैट द शैम्पू इज रिपेयरिंग योर हेयर राइट मेरी फिलोसफी सोप या शैम्पू को लेकर बचपन से एक हो रही है जो हमने स्कूल में पढ़ा था कि वो सोप का फॉर्मूला होता था तो ऑल सोप इज सोप मेरे हिसाब से आप नहाने सिर धोने के शैम्पू से आप नहा भी सकते हैं नहाने के शैम्पू नहाने के आप जेल से आप सिर भी धो सकते हैं क्योंकि सोप इज़ सोप हाउ ट्रू और हाउ करेक्ट इज इट कि एक पर्टिकुलर शैंपू आपके लिए पर्टिकुलर एक आपको ट्रीटमेंट दे रहा है आपको हेल्प कर रहा है या एक्चुअली इन चीजों बेनिफिट है राइट right. सो so, जैसे देखिए ऐसा कोई शैंपू नहीं है जो वहाँ पे हेयर फॉल आपका रोक रहा है ठीक yeah. है शैंपू का बेसिक पर्पज होता है हेयर को क्लीज करना yes. ठीक है अब जैसे अगर डेंड्रफ है आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से शैम्पू होता है अगर डेंड्रफ है तो आपको उसमें टू परसेंट कीटोकोजोल जिंग पैरिथियन ये सब्सटेंस होते हैं जो कि इसको इंप्रूव करते हैं कुछ लोगों के रूट में पेन होता है अब बालों को छूते हैं तो वहाँ पे पेन लगता है या रेडनेस होती है या इचिंग होती है इन्फ्लेमेशन होता है तो उसके लिए एंटी इन्फ्लामेटरी शैम्पू होते हैं ठीक है इन जनरल ज़्यादातर लोगों को ऑल्टरनेट डे शैम्पू करना चाहिए ओके अगर अगर आप जिम जा रहे हो अभी जिम जा रहे हो आपको बहुत पसीना हो रहा है तो आप बेबी शैम्पू भी कर लीजिए उससे hmm. भी क्लीन हो जाएगा yes. ठीक है माइल्ड माइल्ड शैम्पू राइट तो शैम्पू शुड भी माइल्ड शैम्पू शुड भी ऑल्टरनेट डे और अगर आपको डेंडरफ है तो एंटी डेंडव शैंपू बीच में यूज किया जब आपका डेंडरफ ठीक हो जाएगा आप उसको कम करके बंद कर सकते जी. हैं ऐसे ये है, एंटी इन्फ्लामेटरी शैंपू कम करके बंद कर सकते हैं तो मेडिकेटेड शैम्पू का सर्टन टाइम में इसे लाइक अ ट्रीटमेंट तो आप ट्रीटमेंट कब करोगे जब प्रॉब्लम रहेगी राइट तो जैसे ही प्रॉब्लम हो आप उसको ट्रीट करेंगे प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी उसको बंद कर देंगे नॉर्मल रूटीन पे आ जाएंगे बट ऐसा कोई शैम्पू नहीं है कि ये शैम्पू आप लगा लो और आपका हेयर फॉल yes. जा, रुक जाएगा जैसा कि आ, ये बड़ी कंपनियां ऐड करती हैं।, हैं तो दे आर प्योरली मार्केटिंग राइट आ, right. uh, uh, ये भी एक uh, मेरे हेयर स्टाइलिस्ट ने मुझे बोला कि आप रोज़ रोज़ शैम्पू मत करो let your natural moisture remain ya yes, so right, natural waxy of your hair remain जैसे डैंड्रफ का एक ये भी कॉज होता है कि सीबेसियस ग्लैंड होती है वो सीबम सीक्रेट करती है जैसे okay. आप देखो आप फेस पे ऑयल नहीं लगाते हो बट आप ऐसे करो तो यहाँ ऑयली किस लगता है ठीक yes. है तो वो सीबेसियस ग्लैंड की एक्टिविटी की वजह से होता है वो फेस पे होती है स्कैल्प पे होती है ठीक है जी.

करियर में आपके टाइम लाइन में जो आपने इतने पंद्रह साल से आप डेडिकेटेडली इस काम में लगे हो व्हाट इज व्हाट इज योर फेवरेट सक्सेस स्टोरी स्टोरी सो फार इफ यू कैन शेयर वन विद अस राइट सक्सेस स्टोरी बहुत सारा है जैसे मैं आपको बताऊं एक बार एक पेशेंट आया यूपी में गोरखपुर से ठीक है लो इकनॉमिक स्टेटस का पेशेंट था छोटी सी दुकान है उसकी और उसको बालों से कोई खास मतलब भी नहीं था बट अब बॉर्डनेस की वजह से उसकी शादी नहीं हो रही थी ठीक है एंड वहां से वो लखनऊ जा रहा था पीआरपी कराने के लिए अच्छा। अब पीआरपी उसका सही ट्रीटमेंट नहीं था बिकॉज वो बॉल्ड हो चुका था पीआरपी आर हेयर को स्ट्रॉग करता है अभी बाल नहीं बचे तो एग्जिटिंग हेयर नहीं है तो क्या स्ट्रॉग होगा तो फिर किसी ने उसको बताया कि मेरे बारे में और वो फिर आके ट्रांसप्लांट कराया एंड इज ट्वेंटी गुड एंड एनी स्केज स्मॉलर एंड उसमें बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया okay. तो उसकी मदर ने मुझे फोन किया कि इसके बाल डॉक्टर साहब तो इतने तब भी नहीं थे जब थे ठीक <laughs> है right. और उसकी फोटोग्राफ अभी भी है मेरे पास दो हजार चौदह पंद्रह का केस है फिर बाद में उसकी शादी हुई शादी का कार्ड भी उसने भेजा खैर वहां तो मैं नहीं जा पाया बट यहाँ गुड़गांव में बहुत सारे लोग आते हैं जो नवंबर में शादियों का समय होता है तो हर नवंबर में मुझे बहुत सारे शादी के कार्ड मिलते हैं हाँ। you know? तो वो अच्छा लगता है बहुत सारे पेशेंट मेरे हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं पॉलिटिशियन हैं

ऐसे बहुत सारे पेशेंट का फीडबैक आते रहता है एक पेशेंट था एक प्रॉब्लम होती है इनएक्टिव रहे तो स्पेशल इस प्रॉब्लम डॉक्टर ने रेफर किया था तो उसके हेड पे आधी तरफ बाल नहीं थे ओके? आधी तरफ हेयर थे एक आईब्रो नहीं थी एक आईब्रो थी और आधी मूझ नहीं थी आधी मूच थी ठीक है तो आप सोचो कितना प्रॉब्लमेटिक सीनेरिया होगा और उसमें ट्रीटमेंट हेयर ट्रांसप्लांट मैंने किया एंड uh, उसके बड़े अच्छे रिजल्ट आए रिजल्ट अभी तक बने हुए हैं और उसकी शादी हुई तो जब भी भी आ, वो टाइम मिलता है वो वहाँ पे आता है एंड ही शो हिज ग्रेटिट्यूड इवन आफ्टर फोर फाइव इयर्स नाउ तो वो अच्छा लगता है एलोपेशिया तो इट्स इट इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक आई इट इट्स टू आल्सो राइट सी एलोपेशिया का सिंपल मतलब बाल गिरना होता है जैसे जो जेनेटिक वाला होता है इसको एंटोजेनेटिक एलोपेशिया करते हैं जो ये ऑटोइम्यूनिटी वाला वालाता है जिसमें ट्रांसप्लांट करते जी उसको एलोपेशिया एरिएटा बोलते हैं तो एलोपेशिया एक जनरल टर्म है सो सर एक और मिथ या फैक्ट आप बताएंगे uh, ये कहा जाता है कि डेली बेसिस पे हमारे वैसे भी 80 से 90 या 100 बाल ही जाते हैं सच है राइट जैसे हेयर साइकिल होती है मैंने आपको बताया लगभग वन लैक हेयर होते हैं हेयर में एक ग्रोइंग साइकिल होती है एमजेन बोलते हैं एक रेस्टिंग फेज होता है एक शेडिंग फेज होता है टीलोजन जिसके बाद ओल्ड हेयर गिर जाते हैं न्यू हेयर वहां आते हैं right. इसकी वजह से पचास सौ इज द कॉमन नंबर अ नॉर्मल नंबर राइट बट आपको इतने दिखने नहीं चाहिए बिकॉज दिन में चौबीस घंटे में बहुत सारे काम कर रहे हो जी. अगर केवल बाल नहीं गिर रहे हो राइट right? तो अगर आपको खुद से ही सौ बाल दिख रहे हैं कि इतने गिर रहे हैं तो डेफिनेटली उससे ज्यादा गिर रहे होंगे और आपका एक्सेसिव हेयर लॉस है और आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है okay. हाँ, अगर आपको दस बारह बाल दिख रहे हैं दिन के तो वो नॉर्मल रेंज में आता है सर आज तो सिर पे बाल अभी तो है राइट मुझे ये कैसे पता चलेगा कि पांच दस साल बाद कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आई स्टार्ट बोल्डिंग राइट आई एल बी दस साल में आई आल बी फोर्टी फाइव राइट तो मैं ये तो नहीं चाहूँगा कि फोर्टी फाइव के एज में पूरी तरह बॉल्ड हो जाए कुछ हो नहीं। तो इज देर अ वे टू डिटेक्ट दिस अर्लियर कि क्या मैं उस फेज़ में हूँ या उस रास्ते पे हूँ जहाँ मेरा हेयर लॉस या हेयर फॉल हो रहे हैं और मैं इवेंचुअली आई एल बिकम बॉल्ड पहले अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं कोई तरीका है देखिए इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद पता चल जाता है मुझे देख के कि कैसा फ्यूचर रहने वाला है बालों का दूसरा आप ऐसे देख सकते हो जब प्रॉब्लम शुरू होती है जैसे मैंने बताया ग्रेड वन में तो यहाँ के हेयर थिनिंग शुरू होते हैं आप देख सकते हो कि यहाँ के हेयर से यहाँ के हेयर की थिनिंग में डिफरेंस हो चुका है जी। पुल टेस्ट वगैरह होता है बट तो आपको करने की जरूरत नहीं है वो आप पुल टेस्ट में तो क्या करते हैं बेसिकली खुद से आप मत करिएगा हेयर के एक छोटे पार्ट को लेके जस्ट ऐसे नहीं कि आप पूरे बाल को खींच रहे हो ठीक है बालों को ज्यादा खींचना नहीं चाहिए तो वहां से आप निकाल के देखोगे दो बाल तो दोनों की थिकनेस में डिफरेंस दिखेगा okay. और वो करने की जरूरत नहीं है बिकॉज आप हमारे क्लिनिक या किसी के क्लिनिक पे आओगे तो वी हैव अ इंस्ट्रूमेंट यू नो डर्मेटोस्कोप तो उससे हम थिकनेस देख सकते हैं और उसको आपको दिखा सकते हैं कि देखिए यहाँ पे थिनिंग आ रही है यहाँ ट्रीटमेंट की जरूरत है जी. और स्कैल्प में ट्रीटमेंट की जरूरत है तो उसके लिए आप कोई खींचने की जरूरत नहीं है कोई पुल टेस्ट की जरूरत नहीं है आप इस तरीके से देख सकते हो तो अगर होकेर अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा अर्ली ट्रीटमेंट हो जाएगा ना तो आपके बाल कम होंगे और नहीं कभी ट्रांसप्लांट की जरूरत हो that's great, sir, ये तो बहुत अच्छा आपने। गुड uh, इट uh, तो uh, right जैसे हम अपने बॉडी का फुल बॉडी चेकअप भी कराते रहते हैं रेगुलर टेस्ट भी कराते रहते हैं स्पेशली पोस्ट कोविड लोग आजकल अपना ज़्यादा ज़्यादा कर रहे हैं, जादा जादा हो हैं। और वो होना भी चाहिए अच्छा ही है इट्स गुड फॉर पब्लिक यू टॉक अबाउट सेलिब्रिटीज यू टॉक अबाउट एक्टर्स पब्लिक डोमेन भी कई लोग हैं जिन जो हुर ओपन अबाउट द आइडिया दॉट देयर हेयर ट्रांसप्लांट डन मैनी सम ग्रेट सक्सेस स्टोरीज फ्राम द नोन पीपल दट यू नो अबाउट जिन्होंने हो सकता है आपकी भी कोई क्लाइंट्स वो आर ओपन टू टॉक अबाउट इट मे बी यू कैन शेयर समथिंग दस राइट सी जैसे आपने देखा हो कि जैसे सलमान खान साहब का, का ट्रांसप्लांट हुआ है ठीक है जी. अब लोग पूछते हैं कि बार बार ट्रांसप्लांट की जरूरत क्यों पड़ी है जब यहाँ पे थिनिंग हो जाती है और आप इस लेवल के एक्टर हो तो आपको एक परफेक्ट हेयर लाइन चाहिए Absolutely. आपने ट्रांसप्लांट कराया परफेक्ट हेयर लाइन हो गई अब आप ट्रीटमेंट करोगे अब आप ये नहीं चाहोगे कि सेकेंड ईयर में फिर ट्रांसप्लांट की जरूरत हो राइट फाइव ईयर्स निकल गए फाइव ईयर्स के बाद आपके जो एग्जिस्टिंग हेयर थे उसमें थोड़ी और थिनिंग आ गई जी ट्रांसप्लांटेड हेयर में थीनिंग बहुत स्लो आती है एट्रिशन रेट बहुत स्लो होता है बट एग्जिस्टिंग हेयर में तो थोड़ी आई सकती है फिर उसकी वजह से सेकंड कराना पड़ता है सेकंड इसलिए नहीं कराया गया कि फर्स्ट ट्रांसप्लांट फेल हुआ है हु, राइट जैसे मैं 10 साल से कर रहा हूँ अब मेरे बहुत सारे पेशेंट है जिनका मैंने सेकंड भी किया तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट फेल हुआ है फेल हुआ होता तो मेरे पास क्यों आते राइट तो फर्स्ट सक्सेसफुल था और दस साल बीतने के बाद या पांच साल प्लस बीतने के बाद आठ साल सात साल जो बाकी की थिनिंग आई उसको हम फिर थिकनेस में लाइन करते हैं राइट तो बहुत सारे फिल्म मैटर का किया है जिसमें अच्छा रिजल्ट आया और सेकंड भी सेकंड टाइम भी वो फिर हमारे पास आए क्योंकि याद सेकंड टाइम करने के दो रीज़न होते हैं एक तो फुल ज़्यादा बॉर्डनेस हो चुकी है मोस्टली वो हेयर पैच पहन रहे होते हैं और विदाउट हेयर उनका जॉब नहीं चल पाएगा तो हेयर पैच हटाया एक बार में हमने पूरे स्कैल्प का अराउंड सेवेंटी परसेंट कवर किया या सिक्सटी फाइव परसेंट कवर किया बाकी के थर्टी परसेंट पर मैं क्या करता हूँ बहुत कम डेंसिटी पे हेयर लगाता हूँ जी। ताकि जीरो हेयर जोन ना बचे और फिर उसको डेंस करने के लिए सेकेंड सेटिंग कर सकते हैं जी सर हम बनियों में ना तो स्टैंडर्ड है ये राइट तो हमारे वो जो आता है ना yeah. वो आई थिंक uh, हाँ Top वो हमारा तो सिग्नेचर है like, <laughs> आप अगर दस में से आठ लोग को देखोगे ना कि वो पीछे जो सिर पे ऐसे गंज होता है ना <laughs> सर्कल बना होता है तो वो वो आठ में से वो दस लोग हो सकता है अग्रवाल गुप्ता गोयल यही हो <laughs> तो अ स्ट्रॉन्ग चांस

ठीक है कि आपको कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हो रही होगी ठीक है तो आप उसको इंटरनल प्रॉब्लम को ठीक करेंगे हेयर ठीक हो जाएगा है ना जो भी एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं आप उनके पास जाएंगे वो उसको डायग्नोज करेंगे जैसे मैंने बताया कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे हम डायग्नोज कर सकते हैं एक्सपीरियंस तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है अब जैसे मेरे रूम में जैसे ही पेशेंट एंटर करता है तो मुझे पता चल जाता है ठीक है इतना एक्सपीरियंस अब हो गया है राइट उसके बाद मैं उससे सर्टेन क्वेश्चन पूछूंगा मुझे उसका आंसर आंसर पता चलेंगे उसके बाद हम सर्टेन ब्लड टेस्ट कराएंगे उसे और डिफिशियंसी का पता चलेगा okay. इंस्ट्रूमेंट से हम चेक करेंगे और वहां पे एक प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा जी. ठीक है ज्यादातर लोगों का उस ट्रीटमेंट से हेयर रिवाइव हो जाएगा और उनको हेयर ट्रांसप्लांट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी okay. जो लोग ऑलरेडी बॉल्ड होकर आए हैं उनके एग्जिस्टिंग हेयर को ट्रीटमेंट से बचाना है जी. और जो बॉल्ड एरिया है उसको ट्रांसप्लांट से ठीक करना है जिसमें एक दिन का समय और एक दिन का रेस्ट बस दो दिन तीसरे दिन यू कैन गो बैक टू योर कंट्री और यू कैन गो बैक टू योर वर्क राइट अब अगर आपका वर्क ऐसा है जैसे मैंने बहुत सारे लोगों का किया है जो सेना में है ठीक है तो उनको जो उनको सेना में है और आ, ऐसे धूप में ज़्यादा काम करना है स्पेशली सिपाही जो हैं तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि आपके पास एटलीस्ट एक हफ्ते होना चाहिए तो इनकी एक हफ्ते एक महीने की छुट्टियाँ होती थी तो वो बोलते हैं जो छुट्टियाँ शुरू हो तो आप करा लो तो मैंने बताया वाश किया जैसे आप देखिए तो मैंने बहुत सारे सैनिकों का किया है वहाँ से लेकर ब्रिगेडियर तक किया है मैंने ऑफिस में प्यून का किया है बड़े सारे आई का किया है ठीक है और बड़े सारे सी का किया है और सिंपल भी पर्सन का किया है और सबका सबका एक तरीके से करते हैं तो अगर कर रहे हैं तो एक स्पेशल वो रहता है कि भाई उसका रिजल्ट अपने हिसाब से अच्छा है तो ये है सेड स्मोकिंग से ग्रे हेयर हो जाते हैं स्मोकिंग हाँ इसी बैड हैबिट में आता है बैड लाइफ स्टाइल में स्मोकिंग आती है जैसे स्मोकिंग जैसे हमारा एक रिटर्न फॉर्म रहता है पोस्ट ट्रांसप्लांट केयर का तो उसमें कुछ चीज़ें अवॉइड करने को लिखेंगे जिसमें स्मोकिंग भी है ब्लड सर्कुलेशन कम करता है मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ कि फोर्टी ईयर्स के दो लोगों ने कराया एक आर्मी में थे फिट गाय और एक बिजनेसमैन थे इज ऑल्सो फिट काइंड ऑफ बट स्मोकर बहुत थे जस्ट चेंज स्मोकर यू नो, देहरादून से अब

सी ये बैड हैबिट्स है तो टू मच तो नहीं करना चाहिए लेकिन अल्कोहल का डायरेक्टली हेयर पे उतना बैड इफेक्ट नहीं जितना स्मोकिंग पीने वाला ढूंढ लेता है <laughs> वो बियर भी बाल अच्छे रहेंगे विस्की, विस्की मत पी यार जिसको जो पीपल ट्राई टू वो अपने हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं बात को इसलिए मैं पूछ रहा था आपसे सवाल अल्कोहल भी ये मना करते हैं सर्जरी से कुछ दिन पहले से लेके कुछ दिनों के बाद तक वो तो, तो आपका एक प्रोसीजर मेडिसिन uh, and... है ना यस यस ग्रेट सर थैंक यू सो मच फॉर यू नो इन अस टुडे विद ऑल दिस नॉलेज बिकॉज ये हमारे को वैसे भी एक एक्सपर्ट से कंसल्ट करे बिना हमें नहीं मिलती है नॉलेज और हम वही कॉमन मिथ एंड फैक्ट के अंदर खेलते रहते हैं वही सोचते रहते हैं कि प्याज लगा लगा के मेरा काम चल जाएगा सिरका ठीक है किसी किसी के लिए वो काम करता है सर एक चीज़ और होती है मैंने जो नोटिस करी है कि आ, हर इन, कोई भी एक सोल्यूशन हर किसी के लिए नहीं मैच करेगा मतलब एक सर्टन सोल्यूशन किसी एक सर्टन इंडिविजुअल के लिए काम करेगा दूसरा सोल्यूशन किसी और के लिए काम करेगा क्योंकि हमारी सबकी बॉडी टाइप्स डिफरेंट हैं हमारे सबके न्यूट्रिशंस डिफरेंट हैं हमारे सबकी हैबिट्स डिफरेंट हैं तो क्या वो हेयर uh, ट्रांसप्लांट तो एक चलिए एक सोल्यूशन अलग हो गया बट ट्रीटमेंट भी क्या इस हिसाब से सबके अलग अलग होते हैं येस yes. जैसे देखिए एक जो यू एस एफ डी अप्रूव ट्रीटमेंट है मिनोक्सिडिल फिनेस्ट्राइड राइट दोनों एक अलग अलग चीज़ें हैं अभी उसका मित्र रहता है लोगों को लगता है मेनोक्सोडिल लगाने से वो अला साइड इफेक्ट होगा जो फिनेस्ट्राइड है एंड वर्सा ऐसा नहीं है मेनोक्सोडिल एक लगाने की दवा है जिसका यूज पहले शुरू किया गया था नाइनटीन सिक्सटीज में ब्लड प्रेशर कम करने के लिए और ये देखा गया कि इन लोगों के बाल अच्छे हो रहे हैं अच्छा। राइट फिनेस्ट्राइड यूज किया शुरू किया गया था फाइव एम जी टू टेन एम जी रोज में प्रोस्टेट प्रॉब्लम के लिए देखा गया पेशेंट की साठ साल की ऊपर होती थी तो साठ साल के बाद देखा गया इनके बाल अच्छे हो रहे हैं विदाउट एनी ट्रीटमेंट ठीक है उसके बाद ये स्टडी की गई हेयर के लिए मेनोक्सोडिल के हेयर के लिए एंड uh, जो कि एटी में जाके एटी में जाके एफ डी अप्रूव हुई एंड फिनस्ट्राइट नाइनटी सिक्स में एफ डी अप्रूव हुआ ठीक है तो इनकी जो जर्नी देखा जाए ट्रीटमेंट की तो अराउंड थर्टी ईयर्स के करीब हो चुका है जी. तो इसमें बहुत सारे पेपर है बहुत सारे लोगों की एनालिसिस हुई है जी. बहुत सारे रिजल्ट की एनालिसिस लेने के बाद एक मेटा एनालिसिस होती है उस मेटा एनालिसिस में बहुत सारी स्टडीज का करते हैं इसमें हजारों पेशेंट का डेटा एनालिसिस किया जाता है तो उससे जो चीज़ें समझ में आती हैं कि ऐसा कुछ नहीं कि हर किसी को फेनेस्ट्राइट चाहिए

क्योंकि डोज दस गुना कम है इसलिए साइड इफेक्ट के चांसेस बहुत कम रहता है उसके बाद थ्री टू फोर मंथ्स के बाद हम उसको और कम कर देते हैं राइट उसको अल्टरनेट डे दे कर देते हैं ऐसा बुक में तो नहीं लिखा है बट मैं ट्वाइस अ वीक भी करके देखता हूँ तो मेंटेनेंस के लिए वो डोज भी काम करती है तो एक ऐसी डोज एक ऐसी दवा जो कि सस्ती भी है जो कि एस अप्रूव्ड है जो कि मेल पैटर्न हेयर लॉस पे काम करती है राइट जिसके साइड इफेक्ट परमानेंट नहीं है अगर होते भी हैं तो उसको जरूर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से करना चाहिए और अगर आपके डॉक्टर बोल रहे हैं और आपको उससे फायदा हो रहा है तो उसको करना चाहिए ना कि ऐसा है कि अच्छा हर किसी में करने की जरूरत नहीं है यू you नो know, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई जैसे कोविड हुआ उसके बाद हेयर फॉल हुआ फिनस्टेड की कोई जरूरत नहीं है राइट तो डिटेक्ट करना चाहिए कि, कि किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है एंड अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं आएगा हेल्दी एंड हैप्पी हेयर जी सो विद योर परमिशन मैं आपका वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपकी ईमेल आईडी वेबसाइट कुछ कांटेक्ट डिटेल्स डालना चाहूंगा सो दैट आप डाल सकते हो और मैं बताऊंगा की आप जिस भी शहर में रहते हैं जैसे मैं गुड़गांव में प्रैक्टिस कर रहा हूँ कोई अगर वीडियो विशाखापटनम देख रहा है जी. ठीक है तो उसको विशाखापटनम से गुड़गांव आने की जरूरत नहीं है okay. विशाखापट्टनमें किसी भी क्वालिफाइड जैसे हमारी डिग्री होती है एम डी डेमेटोजी तो आई एम डर्मेटोलॉजिस्ट ट्राइकोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन तो वो विशाखापट्टनम में भी कोई होगा ही है ना हाँ। तो आप वहाँ पर दिखा सकते हैं आप किसी भी एक्सपर्ट को दिखाएंगे तो आपको फायदा होगा जी डेफिनेटली आप मुझे भी दिखा सकते तो मैं आपको आपकी डिटेल जरूर शेयर करूंगा कि आप कई बार किसी की कोई क्वेरी होती है कई बार किसी की कोई डाउट क्लियर नहीं होती है तो दे माई राइट अगर वो वहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं या फिर मेरी टीम है ना वो वहां पे उसका रिप्लाई करेगी ग्रेट थैंक यू डॉक्टर फॉर कमिंग एंड टेकिंग आउट दुडे आज हमने संडे मॉर्निंग है और हम सुबह सुबह हम आपका हमने पूरा समय ले लिया है सो दिस वॉज डॉक्टर अखिलेंद्र सिंह इज़ अ ट्रांसप्लांट सर्जन एंड ईज़ ही इज़ एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड जैसा कि आपने आई होप दैट यू फाउंड हिज इनसाइट्स वेलेबल एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन राइट टू मी एट द स्पेसिफिक आस्क एट जी मेल डॉट कॉम और uh, जो उनकी मैं कॉन्टैक्ट इन्फॉमेसन वीडियो में आपको शेयर करूँगा यू कैन ऑफकोर्स डायरेक्टली रीच आउट टू हिम एज वेल Uh, you can also find me on Instagram, uh, which is at the specific ask. And uh, you can follow me there and you can message me there as well. Uh, thank you for listening in. If you have any queries, do share with us. Have a great day.